अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में हमने सारी अपनी ईद की शॉपिंग दिखानी है, हर बंदे की डिटेल्स हमने दिखाई है। बल्कि जब हम गए थे गिगा मॉल ये कपड़े लेने, तब भी हमने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाई थी। तो सारा कुछ जो है ना, ख़रीदने से ले कर दिखाने तक सारा कुछ है इस वीडियो में। बना रही है तुम्बा? तो आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो ये अभी तक हमने वैसे खाए तो नहीं हुए, पर मैंने देखी हुई इसकी रेसिपी, तो मैंने कहा कि मैं बनाऊंगी। और मैं एकेडमी के मतलब जब आती हूँ तब अफ्तारी का टाइम हुआ होता है, तो अफ्तारी आज हमने कर ली है, पर उसके बाद ये बन गए। तब ये क्या डाल हाँ, ये मिसाले देख लें। ये जी है कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, भुना कुटा जीरा, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला। और ये आलू हमने बॉयल करके मैश कर लिया, एक ही बड़े साइज कर लिया था। आलू? हाँ, ये सारे इसमें डाल देंगे। अच्छा, ब्रेड के अंदर डाल के ये आलू की फिलिंग डालेंगे, फिर उसे बेसन में कोट करेंगे। अच्छा, और फिर फ्राई करेंगे। और इसमें हम ये आलू डालेंगे। और ये जी फिलिंग तो तैयार हो गई है। अब उस फिलिंग को हम ब्रेड में फिल करेंगे दूध। अब थोड़ी सी मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ जो हमने वैसे फ्रीज की हुई थी, और ये मैं इतनी ज़्यादा नहीं लगा रही क्योंकि इसमें बहुत मिर्च है, तो ये बस एम ही है। मेरे बाग वैसे ही स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा। तो और तुझे उतनी भी ही पसंद है? हाँ तो ये ठीक है ना, क्या ही चटनी है ये? कम से डालिंग डिप ये तो करना अभी है। से ही टूट रही है। ताज़ा डब रोटी लाए अभी तो काट। ये आप ही डालो भाई। अब इसको छेड़ना नहीं, 2 से 3 मिनट। इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसे पड़ी रहे, नहीं तो ये खुल जाना है। और मैं तो तुझे कह रही हूँ कि वो पहले, लेकिन ये खैर हो ही गई है। टोस्टर में ना इनको थोड़ा से, टोस्टर नहीं मम्मा, सैंडविच मेकर। हाँ, सैंडविच मेकर उसमें रख लेती और उसमें बन जाए और फिर उसमें करूँ। हाँ, फिर कर, ताकि थोड़े वो प्रेस तो हो जाएंगे ना अच्छी तरह। अच्छा भाई, देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। वो कर ले, इस तरह तो हो गया जो सबसे पहले नहीं डाला। चल, तेरी रेसिपी कामयाब हो ही गई। मैंने एक दफा बनाए थे लेकिन मुझसे तो ये खुल गए थे। पर आपने कुछ और बनाया होगा ना? ये तो नहीं बनाया था। पिछली दफा मैंने रोजे में कुछ बनाया था, तारीफ की थी तेरी खाला की, लेकिन मुझसे तो ये खुल गए थे भाई। नहीं, बेसन वाला कामयाब हुआ था उसका, और मैंने यही कहा था सैंडविच मेकर वाले। अब वो दिखा, बन गए। तो इन पकौड़ों में बस एक ये मुश्किल काम था जो शुरू में हमें फिगर आउट नहीं हमसे असल में हुआ हो पा रहा था कि इन्हें डिप करके करें किस तरह डालें, क्योंकि जितनी देर में डिप करते थे वो सॉफ्ट हो जाती थी, उठाई नहीं जाती थी, फिर वो गिरना शुरू हो जाती थी। पर एंड में हमें समझ आई, मतलब 2-3 हमने बनाए तो तीसरे चौथे में समझ आ गई कि भाई सैंडविच मेकर वाला भी वो मेन नहीं था, बस ये है कि आपने जिस तरह ही डाला है ना, फ़ौरन से बस बेसन से निकालो। और दूसरा ये है कि ब्रेड जब हम ऑयल में डाल रहे होंगे तो ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी ठंडा हुआ ना तो सारा ब्रेड ने अब्जॉर्ब कर लेना और सारा टेस्ट का सत्यानाश हो जाएगा। पर खैर, ब्रेड पकौड़े जो है ना, टेस्ट वाइज अच्छे थे और सबने घर में खा लिए। बस ये था कि भैया पहले 2-3 में जो डालने में हमें वक्त हुआ है ना, जा रहे हैं गीगा मॉल सारे ईदी शॉपिंग करने। ईदी शॉपिंग करने, जब हम लोग लेट हो गए नहीं तो हम रमजान से पहले घर पे रहते हैं। अच्छा, तो गीगा मॉल में हम सबसे पहले गए थे क्रिज़मा पर, और वहाँ पे रामीन के लिए तो हमें एक पसंद आ गया था, और फिर हमने कहा कि पहले फिर भी लाइम लाइट पर देख आते हैं, उसके बाद इधर आएंगे कि ये जोड़ा तो हमने लेना है। तो फिर लाइम लाइट पर गए और वहाँ पे मैंने ना वेबसाइट पे पहले से देखे हुए थे, और वो कपड़े असल में देखने में बिल्कुल भी मज़े के नहीं लग रहे थे, बहुत फजूल लग रहे थे, और लाइम लाइट में कोई हमें पसंद नहीं आ रहा था। हम वहाँ पर कोई 20-25 मिनट खड़े रहे, और अली मतलब अपनी चीज़ें लेने गया हुआ था, तब तक हमने तो पूरी दुकान के ना 10 चक्कर मार लिए, फिर जोड़ा हमें पसंद नहीं आया। और हम लोगों को होता है कि बस हम जाएं और फ़ौरन से हमें जो है ना पसंद आ जाए, ढूंढना ना पड़े। पर खैर, फिर आखिर में जो है ना ये वाला मिल गया था, और इसका जो है ना मसला ये था कि ये मीडियम साइज़ था और मुझे तो स्मॉल बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए होता है। पर एंड में जब कुछ और समझ नहीं आया तो फिर हमने कहा कि हम मीडियम साइज़ ही ले लेंगे और इससे हम फिटिंग करा लेंगे, तो फिर वो हमने करा ली। और उस दिन दुकान में तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर मैं थी कि अब कुछ और तो मिल नहीं रहा था, जो मम्मा कह रही है वो चुप करके ले लेते हैं। पर घर आके मुझे पसंद आया था, जब पहन के देखा था मैंने कहा लाइक हाँ, जोड़ा तो अच्छा है। तो अली ने तो अपनी सारी चीज़ें जो है ना पहले से डिसाइड करके रखी हुई थी, तो हम उसके साथ गए, उसने अपनी जो देखी हुई थी वो उसने निकाल ली, साइज ट्राई किया, रखी ले ली हमने। तो सबसे पहले उसके लिए हम गए थे लिवाइस पे,
वहाँ पे उसने लिए थे क्या कहते हैं जीन्स ली थी, उसके बाद फिर फ्यूरर से उसने जो ऊपर शर्ट लेनी थी वो ली थी। तो अली ने तो वो चूज़ कराने की सहमत भी नहीं कराई ना, उसने बस गया लिया और हम आ गए। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। और फिर करिश्मा पे आ गए थे रामीन का जोड़ा लेने, जो हमने पहले देखा था वो रामीन ट्राई करी थी, इसको साइज़ जो है वो पूरा आ गया था, स्मॉल ही हमने लिया था। और बल्कि ये उनके पास आखिरी पीस रखा हुआ था, तो मतलब शुक्र है कि हम लोग आज ही आ गए थे, पसंद आ गया ले लिया। रामीन को था कि अभी हम कहीं और घूमने जा रहे हैं पीछे से ये बिक जाएगा, पर खैर मिल गया। उसके बाद हम आ गए फूड कोर्ट में, क्योंकि शॉपिंग तो हमारी हो गई थी। फिर फूड कोर्ट में बल्कि हम बैठे ही रहे, 30-40 मिनट पहले हम आ गए थे, मतलब फारिग भी जल्दी हो गए थे और दूसरा हमें खुद भी था कि हम जल्दी जाएं, क्योंकि बाद में फिर जो है ना जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जी अब हम लोग बैठ के बोर हो रहे थे और अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे। भाई ऊपर से मॉल में बैठ के इतनी खुशबू आ रही थी, और भी मुश्किल हो गया था हमारा इंतज़ार। और अभी हमारे पास खाना तो आ गया था, पर टाइम बहुत फ्री था तो हमने टाइम पास करने के लिए ये कर रहे थे, पहले मैंने बनाया फिर अमीन ने भी कोई बैलेंसिंग की थी। और बस जी अब अफ्तारी भी हो गई हमारी। और जी अफ्तारी करने के बाद फिर अली ने आउटफिट से अपनी एक शर्ट देखनी थी, तो फिर हम लोग बैठ गए क्योंकि वो बंद थी सारी दुकानें, तो फिर हमने वेट किया। और इसने आउटफिट से शर्ट ले ली और रामीन हमें ऊपर गया, और हम आइसक्रीम ले आए। इस दफ़ा हमने सॉफ्ट स्वर्ल की ट्राई किया, क्योंकि वो मतलब हमारी जो सारी दोस्त हैं उन्होंने बड़ा रिकमेंड किया था, तो हमने कहा इस दफ़ा वो खा के देख लेते हैं। हाँ ना, तुम लोगों ने ना बहुत ज्यादा किससे पुराने छिड़वा दिए हाँ मुझे। माँ बाप, हमें पता ही नहीं था भाई 18 साल से इतना, भाई 3 घंटे जब से वही शॉपिंग कर रहे हैं वही बैठ के सुन रहे थे, मजा आया सुनते हुए। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इतने किस्से मतलब कि ड्रामे जैसे नहीं होते उसे मुड़ते में, उससे ज्यादा भाई आप लोगों की जिंदगी में किस्से थे। तू कह रहा ना कि हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं बता रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं। ये लड़ाई तेरे पापा की और मेरी इस वजह से होती थी कि तुम, वो कहते थे कि ये बीमार ना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता, बच्चे तो बीमार होने, और जब बीमार हुए तो वो कहते हैं कि तुमने कर दी इस बात से। वैसे तो हम लोगों में ऐसा कोई नहीं, मसला और नहीं। भी मतलब कि पता चलने दादी और सारे जो होते थे। हाँ वो हाँ करती थी, लेकिन तेरे बाप मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी हम लोगों ने गुजारी है, बहुत अच्छी तरह अच्छा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो ईद के कपड़े हैं वो हमने फिर 1-2 दिन बाद ही उसकी सारी डिटेल में वीडियो बनाई थी, क्योंकि कुछ सिलने भी दिए वैसे, तो फिर सारे इकट्ठे हुए तो हमने कहा तभी बनाएंगे। और फिर ये चले गए हम लोग जो सफारी मॉल हमारे घर के पास, उधर उधर से हमने लेनी थी अबाया। और उधर जो है अब काफ़ी सारे क्या कहते हैं स्टॉल्स भी लगे हुए थे, और वैसे भी शॉप्स खुली हुई हैं ज्वेलरी की, जब जाओ एक ना एक कोई नई शॉप नज़र आ ही जाती है। उसके बाद मम्मा दर्जी की शॉप पे आ गई थी कपड़ों का पूछने, और बल्कि नहीं देने आई थी, फिटिंग करानी थी जो मेरा वो हम लेके आए थे जोड़ा वो। और ये वहाँ पे कोई पता नहीं क्या तो कुरानदाजी या जो भी है वो भी हो रहे थे, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। खैर तो अभी जब हम गए थे तब तो सिर्फ 2-3 ही थे चूड़ियों के स्टॉल, पर अभी उन्होंने और खाली रखे हुए थे कि अब चांद रात तक भर ही जाएंगे सारे। तो ये अब मम्मा अपनी अलमारी सेट कर रही हैं, सर्दियों के कपड़े अभी तय कर रही हैं और फिर इसकी जगह आएंगे इस दफा गर्मियों के। लेट हो गई मैं अलग ही, क्योंकि पहले वो नसरीन होती थी, पहले वो नसरीन होती थी ना, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता था, वो इस दफा है नहीं। और ना हमारी वो सफाइयाँ हुई हैं, सफाई की गुजारे लायक काम हो रहा और मैंने तो आज अपनी कर ली सारी। हाँ तो अब ये मेरी आज होगी, अब मैं ये ऊपर रखूंगी तो गर्मियों की लाऊंगी, आस्ता आस्ता एक एक करके काम होता जाएगा। तो ये अब मम्मा के हो गए हैं तय, अब ये ऊपर जाएंगे और वो वाले निकलेंगे गर्मियों के, तो तभी ये ऊपर जाएंगे, इनकी ऊपर जगह बनेगी और वो अब नीचे आएंगे। आपने मतलब सारा काम नहीं किया, मैंने अपनी सारी अलमारी का सारा काम किया, सारा कुछ शिफ्ट हो गया तय भी हो गया, आपने आधा काम किया। मैं अब ये 2 दिन लगेंगे मुझे तो अभी भी। मम्मा सही है भाई, मम्मा तो सोचती है कि उस दिन मैं ऊपर का चक्कर लगाऊं। नहीं ना वो है नहीं ना नसरीन, तो फिर मुझे काम भी होता है, बर्तन होते हैं, सफाई होती है, आज मैंने पूरी गैलरी धोई है, ये तुझे पता है। हाँ मम्मा, और कमरा भी आधा धोया आधा, वही तो कह रही हूँ हम मम्मा में बस फिर आधा आधा थोड़ा थोड़ा। हाँ आज आधा कमरा धोया है एक साइड से, अब कल ये वाली जिधर चेयर रखी है ना ये निकाल, लोग कहेंगे बीवी धो रही थी तो एक कमरा तो पूरा धोती। नहीं धो सकता ना फिर यार, इसमें वेलवेट के कपड़े नहीं है, वो मैं देख रही हूँ वो किधर रख दिए होंगे आपने। नहीं वेलवेट का एक जोड़ा भी नहीं, मैंने तो सारे पर कहीं रखे होंगे ना जब इकट्ठे आए मैं तो मम्मा। अच्छा तो आज हम लोग दिखाने लगे हैं जी ईद की शॉपिंग हम सब की। सबसे पहले है जी रामीन का जोड़ा,
और इसका ये क्या अनारकली टाइप फ्रॉक है, और ये इसकी स्लीव तो इतना अच्छा काम हुआ हुआ। मम्मा देख ये देखो बटन साथ के लेस लगी हुई है, और नीचे देखो दामन कितना अच्छा घेर बना हुआ है, और ये इसका ट्राउजर है, और इसका दुपट्टा साथ शेफोन है, सिल्क है नहीं शेफोन ही है, तो ये भी हमने लाइमलाइट से लिया था और ये रामीन का था, और ये मतलब इस दफ़ा जो घीगा मॉल गए थे तब नहीं लेके आए, ये पहले लेके आए हुए थे, और इसकी प्राइस थी 8,000, और जो दूसरे वाला है फ्रॉक जो था उसकी थी 12,000, और ये है तीसरे दिन का रामीन का, ये निशात से लिया था पिछली दफ़ा सेल में और सिलवाया है खुद, इसके साथ अभी दुपट्टा लेना है हमने, ये रुबाब का ये लिया लैम लाइट से, ये भी 12,000 का, और ये इसके साथ प्लाजो, और ये है दुपट्टा इसका, चले ये तुम्हारा, ये हमने क्रिसमस से लिया रुबाब का दूसरे दिन का, और ये इसके साथ शलवार है, और ये दुपट्टा है, और ये है मेरे तीसरे दिन का, ये भी वो निशात से लिया था, और ये इसके साथ जो जोड़ों के साथ ज्वेलरी पहनेंगे, और ग्रीन चूड़ियां हैं, और ये गोल्डन सिंपल जो होती हैं, और ये पिंक टॉप्स है, और ये रामीन की ज्वेलरी इस तरह की ब्राउन कोई चूड़ियां हैं, और ये हैं जी इयररिंग्स रिंग है इसकी, और ये भी इयररिंग्स ही हैं, साथ में ये दो नेकलेसेस हैं, और ये है जी मम्मा का तीसरे पहले दिन का, और इस पे इतनी अच्छी एप्लिक हुई है, देख दामन भी कट पा रहा है और पीछे भी, हालांकि यहाँ और ऑर्गेंजा लगा हुआ था वो हटवा के तो ये नीचे कपड़ा लगवाया मैंने, और इसके दुपट्टे के जो पल्लू है ना साइड इन पे भी इसी तरह हुआ हुआ है, किनारे पे भी काम हो गया, ये क्रिज्मा से लिया था, और ये है दूसरे दिन का, ये निशात से लिया था पिछली दफा सेल में, इसके ना दुपट्टे पे बड़ा अच्छा काम है, कटवारा हुआ हुआ है, और कलर भी अच्छा है, और नीचे इसके दामन पे भी सारा काम है, क्रिज्मा से येली का नीचे ट्राउजर इसका बनवाया था, और ये साथ में पापा की शलवार भी है, हाँ पापा की, मैंने एक बनवाई है बाकी उन्होंने खुद उधर ही बनवाए होंगे, और ये अली की एक शर्ट है, ये कहाँ से ली थी अली, और ये आउटफिटर, इस दफा ना अली के ये कपड़े काफी एक्सपेंसिव थे, बहुत ज्यादा पैसे लग गए भाई, और ये कहाँ से ली थी, आउटफिटर से, कितने की, 3 इतने की थी, और ये लीवाइस की ली थी 5,500 की, हाँ अभी सेल थी नहीं, हाँ फुल पैसों, और ये हैं जी हम सारे के जूते, सबसे पीछे ली के हैं, फिर ये तीनों रामीन के हैं, अच्छा और... नया जो है ना रामीन का एक ही लिया है, बाकी हाँ। दो जो है ना पुराने चला रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला ना वो नया है, जिसके साथ ये क्या है नाक टाइप जो भी लगे, अच्छा और ये है जी मम्मा के दो, उसके बाद ये है मेरे, और ये जो ग्रीन वाला ये नया है, बाकी जो पुराने हैं, तो ये थी जी हमारी ईद की शॉपिंग, और बस आज का व्लॉग इतने था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।